हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सोशलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे दुर्खाइम के नेक्स्ट ईयर दैट इज डिवीज़न ऑफ लेबर सो दुर्खाइम ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया था यूरोप में इतनी अनसर्टेनिटीज इतने, इतने क्योर्स था देन टू सोसाइटी वॉज स्टिल एग्जिस्टिंग सोसाइटी फिर भी एकजुट थी टुगेदर थी तो इन सब का कारण क्या था ये दुर्खाइम को समझ नहीं आ रहा था देन ही एक्सप्लेन अबाउट द डिवीज़न ऑफ़ लेबर इन इज बुक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एटीन ठीक है तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है सॉरी यहाँ पे मैंने डी ओ बी किया इट इज़ डी ओ एल दैट इज डिविजन ऑफ लेबर स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन नंबर ऑफ पार्ट्स और स्मॉलर प्रोसेस अंडरटेकन बाई डिफरेंट पर्सन और ग्रुप यानी कि सिंपल चीज़ों में एक्टिविटी को जब हम काम को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब हाउस होल्ड जो काम है तो उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना क्लीनिंग अलग वॉशिंग क्लोथ्स यूटेंसिल्स कुकिंग ओके सो बहुत सारी हर एक एक्टिविटी को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं तो उसे हम डिवीज़न ऑफ़ लेबर कहते हैं ठीक है तो मार्क्स तो पैसिमिस्टिक था यानी कि उसे लगता था कि डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ नॉट अ गुड थिंग बट दुर्खा एम्पॉ ऑप्टिमिस्टिक थे वो तो इसमें भी फंक्शंस ढूंढ ही लेते थे ओके देन नेक्स्ट सो दुर्खा एम कंसिडर डिवीजन ऑफ लेबर दिस इज़ डिवीजन ऑफ लेबर ओके एज सोशल फिनमिना एंड रिजेक्टेड ऑल क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल एक्सप्लेशंस तो दुर्खाइम कहते थे कि डिविज़न ऑफ लेबर भी क्या है सोशल फैक्ट है सोशल फैक्ट यानी कि क्या जो सोसाइटी ने सोसाइटी से क्रिएट हुआ है यानी कि जो इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट डालता है तो ये समाज का ही एक फिनोमिना है क्योंकि यहीं पे सिर्फ ये इकोनॉमी में ही नहीं आपको हर जगह देखने मिलेगा तो इन्होंने कॉमते ने कहा था कि हाई डिवीजन ऑफ लेबर इज़ अ कॉज ऑफ डिसऑर्डर इन फ्रेंड सोसाइटी लेकिन दुर्गा एम ने ये व्यू को भी रिजेक्ट कर दिया बिकॉज दुर्गा एम कॉज और फंक्शन को स्टडी करने में बिलीव करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हर एक सोशल इफेक्ट का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है बिकॉज ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि नहीं डिविजन ऑफ लेबर क्या है एक सोशल फिनमिना है और ये कोई कॉज नहीं है डिसऑर्डर का इनफैक्ट ये तो क्या है ये फंक्शन है अब ये क्या फंक्शन पर, परफॉर्म करता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यू ऑल्सो आर्ग्यू दट डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट नॉट ओनली इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट इन ऑल फेज ऑफ लाइफ तो यानी कि ये कुछ आपको काम में ही नहीं देखने मिलेगा कि लोग ने खाली ऑक्यूपेशन में आपको डिवीजन देखने नहीं मिलेगा बल्कि आप घर के काम में देख लो या फिर आज आप मैरिज में देख लो तो कितने न्यू न्यू चीज़ें आ गई है मैरिज में कितने कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स आ गए हैं या फिर पूल पार्टी होती है दैट पार्टी कॉकटेल पार्टी वॉट एवर लाइक तो हर चीज़ में आपको डिवीज़न देखने मिलेगा बहुत सारी एक्टिविटीज स्प्लिट हो गई है यानी कि आप Uh, कोई भी चीज़ उठा के देख लो यानी कि आप मेडिकल फील्ड देख लो तो भी न्यूट्रिशनिस्ट होता है फिजियोथेरेपिस्ट होता है अलग अलग योगा एक्सपर्ट्स यानी बहुत सारी अलग अलग फील्ड आ गई है तो खाली इकोनॉमी में ही नहीं आप हर एक्सपेक्ट्स में डिवीजन ऑफ़ लेबर देखोगे ऐसा दुर्खाइम का कहना है सो इट्स अ सोशल फैक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड स्वी जनरस यानी कि ये खुद से ही आ गया है ऑटोनॉमस से डेवलप हो गया है सोसाइटी में मैकेनिकल तो पहले क्या थी पहले मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी यानी कि पहले जो सोसाइटी होती थी उसमें लोगों का एक ही विचारधारा होती थी कलेक्टिव कंसाइंस यानी एक ही विचार होते थे तो वो लोग आपस में मान लेते थे और सोसाइटी चलती थी ठीक है बट अभी क्या हो गया है अभी डिविजन ऑफ लेबर आ गया है राइट अभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है तो इंटरेक्शन बढ़ गया है लोगों में ठीक है तो सब लोग क्या कर रहे हैं अभी एक ही कंपटीशन बढ़ गया है हर एक ऑक्यूपेशन में कंपटीशन बढ़ गया है तो लोग स्पेशलाइजेशन ला रहे हैं एग्जिस्ट करने के लिए क्योंकि उनको भी तो टिकना पड़ेगा ना इस सोसाइटी में सो देआर ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन और उसकी वजह से जो है डिवीज़न ऑफ़ लेबर आया है सोसाइटी में ओके तो डिविज़न ऑफ़ लेबर कैसे आया बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज एंड द इंटरक्शन हैज़ लेड टू द कॉम्पिटिशन एंड विच हेज़ ब्रॉट अबाउट स्पेशलाइजेशन तो उसके कारण जो है डिविज़न ऑफ लेबर आया है सो so, जो फिटेस्ट होता है ये कंपटीशन में वो सर्वाइव कर लेता है और जो ये एग्जिस्टिंग कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है वो अपनी न्यू फील्ड चूज़ कर रहा है न्यू ऑक्यूपेशन में जा रहा है ठीक है जो लोग अभी एमबीबीएस नहीं बन पा रहे दैन पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू काइंड ऑफ ऑक्युपेशन राइट तो अभी हम देखते कि पहले मैरिज अ हाउस होल्ड वर्क लेकिन धीरे धीरे मैरिज जो है वो अभी हम देखते हैं कि इवेंट मैनेजिंग तो उसमें मैरिज एक इवेंट मैनेजर का के अभी अलग कंसेप्ट आ गया है कि शादिया भी इवेंट वाले ऑर्गेनाइज करते हैं सो so, ये कैसे हुआ धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने न्यू स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से डिविज़न ऑफ़ लेबर आ गया ठीक है एग्जाम्पल पहले तो टेलर ही कपड़े सीते थे लेकिन अभी न्यू कॉन्सेप्ट आ गया फैशन डिजाइनिंग तो अभी ये डिज़ाइन करेगा आपके क्लोथ एंड देन वो टेलर को देगा तो ये क्या हो गया ये अलग इंटरेक्शन हो गया इनके बीच में ये फैशन डिजाइनिंग एक अलग स्पेशलाइजेशन आ गया ओके सो तो ये है डिवीज़न ऑफ लेबर दिस लेट टू इमर्जन ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक सॉलीडेरिटी ऑर्गेनिक यानी कि यहाँ पे लोग इंटर डिपेंडेंस यानी अपने काम के लिए एक दो दूसरे से जुड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल ये फैशन डिजाइनर और टेलर एक दूसरे पर निर्भर करते थे बिकॉज ये इसको डिज़ाइन देगा एंड देन ये स्टिच करके देगा ठीक है दोनों का काम चलेगा बट पहले तो लोगों की वैल्यूज़ और जो विचारधारा थी वो एक थी इसलिए सॉलीडेरिटी थी यानी कि एकजुट थी सोसाइटी एंड आज की सोसाइटी ऑर्गेनिक सोलिडारिटी पे बेस्ड है यानी कि लोग इंटर डिपेंडेंस पे ज़्यादा इंटर डिपेंडेंस पे सोसाइटी बेस्ड है ओके देन डिविजन ऑफ लेबर सो वही जो मैंने आपको मैकेनिकल सॉलिडारिटी बताया एन ऑर्गेनिक बताया तो इनमें डिफ्रेंसीशन बताया है तो यहाँ पे डिफरेंसीशन नहीं था पहले की सोसाइटीज़ में यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारा डिफ्रेंसीशन आ गया है डिविज़न ऑफ फंक्शन सिंपल था कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं था लोग या तो एग्रीकल्चर में काम करते थे तो ज़्यादा मतलब फंक्शंस नहीं थे परफॉर्म करने के लिए बट यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं फंक्शंस हैं परफॉर्म करने के लिए मेंबर्स ऑफ ग्रेट कलेक्टिव कंसर्स यानी विचारधारा काफ़ी एक होती थी लोगों की बट यम्बर्स है बिकम डिफ्रेंशिएटेड एवरीबडी इज डिफरेंट एंड देफ अभी यहाँ पर लोग इंटर डिपेंड पर इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पर सो so यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एंड यह मॉडर्न सोसाइटीज़ ओके देन फंक्शंस तो जैसे कि हमने कहा कि दुर् फंक्शनलिस्ट थे उनको लगता है डी क्या है फंक्शंस परफॉर्म करता है तो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है तो इट ड्रिंक्स ग्रेटर एफिशिएंसी जितना ज़्यादा डिवीजन रहेगा स्पेशलाइजेशन रहेगा तो एफिशिएंसी दिखेगी आपको हर काम में पीसफुल सोल्यूशन एज़ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा राइट तो अच्छी बात है ना कि लेबर अलग अलग स्पेशलाइज फील्ड आ रही है ताकि ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अलग अलग फील्ड में जा सके तो इट्स अ पीसफुल सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑब्वियसली सोसाइटी को एक इंटीग्रेट करके रखता है एंड इंडिविजुअल अटोनमॉमी यानी कि अब लोगों के पास ज़्यादा फ्रीडम है अपना इनोवेशन दिखाने के लिए राइट right? सो so, ये है डिवीज़न ऑफ़ लेबर के कुछ फंक्शंस अब वो कहते हैं कि जैसे हमने सोशल फैक्ट्स में पढ़ा था कि सोशल फैक्ट्स नॉर्मल स्टेट में होते हैं तब फंक्शनल होते हैं लेकिन कभी कभी वो अब नॉर्मल यानी कि पैथोलॉजिकल स्टेट में होते हैं तब वो फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाते है. तो वैसे ही डिविज़न ऑफ लेबर जब नॉर्मल स्टेट में होता है तब तो फंक्शनल होता है लेकिन कभी कभी वो अब नॉर्मल फॉर्म में भी चला जाता है अब नॉर्मल फॉर्म यानी कि अनॉमिक यानी कि जब हम नॉर्मलेसनेस की स्टेट होती है यानी कि जब लोग नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में तो लेबर अगर अगर नॉम्स नहीं फॉलो कर रहा है तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाएगा और जो हम फंक्शंस की बात करते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी क्यों बनाई है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ईजी हो बट अगर ऑफिसर्स करप्शन हो गए करप्ट हो गए तो फिर वहाँ पर क्या होगा अनहेल्दी वर्क दिखेगा आपको तो ये होता है एब फंक्शन ऑफ डी ओ बी डी ओ एल देन सेकेंड इज़ इन एडिक्यूट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अगर पुअरली ऑर्गेनाइज है अगर हम चेक नहीं कर रहे हैं डिविजन ऑफ लेबर के प्रॉपरली चेक नहीं कर रहे हैं देन इट विल लीड टू इन पुअर वर्क फंक्शनिंग जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाएगी एंड थर्ड अब नॉर्मल फॉर्म क्या है फोर्स डिवीज़न कि डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ गुड लेकिन अगर आप फोर्सफुली करवा रहे हो फॉर एग्जाम्पल हमारा कास्ट सिस्टम था तो उसमें भी डिवाइडेड था वर्क बट जो लोअर क्लास थे उनको फोर्सफुली वो काम करना पड़ता था तो ऐसे स्टेट को हम अब नॉर्मल कहेंगे यानी कि इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने नहीं मिलेगा बिकॉज़ यहाँ पे क्या होगा लॉन्ग लास्टिंग सॉलिडारिटी देखने नहीं मिलेंगी हमें बिकॉज फिर जाके वो क्लास चौबीस लोअर क्लास टे फिर उन्होंने मोवमेंट्स चलाई रिवोल्ट किया एंड देन काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ आ गई सोसाइटी में सो so, ये सारे अब नॉर्मल फॉर्म्स हैं यानी कि अगर डी इन सब फॉर्म में है तो डिसफंक्शनल हो जाएगा ओके देन ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट देर वॉज अब नॉर्मल डी इन यूरोप तो वो कहता है कि यूरोप में भी डी तो था लेकिन वो अब स्टेट में था इसलिए हमें वहाँ पर क्यूर्स देखने मिला सो इट शुड बी कप्ट इन नॉर्मल स्टेट एंड नॉर्मल स्टेट में हम कैसे रखेंगे डीओबी को बाय सोशलिस्ट स्टेट को अडॉप्ट करके हम लोग क्या करेंगे एसोसिएशंस बनाएंगे जो लेबर्स को एथिकल कोड सिखाएंगे जिसके वजह से डिवीजन ऑफ लेबर नॉर्मल स्टेट में रहेगा सो ओके दिस विल इम्प्लीमेंट एथिकल कोड एंड दिस विल हेल्प ऑर्गना ऑर्गेनाइजिंग वर्क प्रॉपरली दैर इज़ नो नीड ऑफ रेडिकल सोल्यूशन यानी कि हमें रेवोल्यूशन आने की या पूरा जो मार्क्स कहते हैं वैसा करने की ज़रूरत नहीं है हमें बस क्या है एथिकल नॉर्म्स को लाने की ज़रूरत है उसके वजह से डिवीजन ऑफ लेबर नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा एंड सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करेगी सो so, क्रिटिसिजम है कि टॉप डाउन थियरी है यानी कि इंडिविजुअल को सेकेंडरी रख दिया है इसे सोसाइटी की सोलिडरिटी की बात कर रहे हैं बट इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं देन उनके ऑक्यूपेशन की चॉइस जो है वो इग्नोर हो जाती है एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी तो इम्पोर्टेंट है ना लाइक like, लोग इतना स्पेशलाइज़ क्यों है बिकॉज अलग अलग इनकम मिल रही है इनकम सोर्स बढ़ गया तो इकोनॉमिक फैक्टर को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया है ही ओनली टॉक्स अबाउट द इंटीग्रेटिव नीड ऑफ सोसाइटी राइट सो दिस द क्रिटिसिज्म एंड लास्ट में ये डिफ्रेंसीशन दिया है अबाउट दुर्खाइम मार्क्स का जो व्यू था डिविजन ऑफ लेबर को लेके तो कॉजेज ये ये कहते हैं कि कॉज़ ये क्या है यहाँ पे क्यों आया बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गया था तो मटेरियल इंक्रीज मटेरियल एंड मॉरल डेंसिटी यानी कि लोगों की जो इंटरेक्शन बढ़ गई थी ज़रूरतें बढ़ गई थी मटेरियल मटेरियलिस्टिक चीज़ें का यूज़ भी बढ़ गया था तो इसलिए स्पेशलाइजेशन को लाना पड़ा और इसलिए डिवीजन ऑफ़ लेबर आया बट मार्क्स कहते हैं कि नहीं ये फ़ोर्स किया गया है अपन वर्कर्स इसीलिए ये डिवीजन ऑफ लेबर आया है देन ये कहते हैं कि ये फंक्शनल है यहाँ पे कोऑपरेशन होता है सोसाइटी में बट ये है कहते हैं कि नहीं यहाँ पे सोसाइटी में डिवीज़न हो जाता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है बिटवीन हैव्स एंड हैवज़ नॉट देन ये कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इंटीग्रेशन लाता है ये कहते हैं कि ये तो एलिनेशन लाता है यानी इंसान खुद से ही आइसोलेट हो जाता है डीयूमनाइजेशन ऑफ वर्कर्स हो जाता है सोल्यूशन ये क्या कहते हैं दुरकाइम की हम लोग एथिकल कोड लगे यानी कि ईजीली हम लोग अब नॉर्मल स्टेट को भी हैंडल कर सकते हैं बाय मेकिंग वर्कर्स कॉन्शियस ऑफ द रोल इन सोसाइटी ठीक है बट ये कहता है कि नहीं अगर हमें डी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें रिवोल्यूशन लाना ही पड़ेगा ताकि हमें ये सब प्रॉब्लम को एंड कर पाए तो आई होप आपको क्लियर है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो थ्रू द स्लाइड्स एंड यू कैन रीड दम वनस अगेन और कुछ डाउट्स है तो लेट मीन डो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इस लेक्चर uh, की पी डी एफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक uh, दे रखिए यू कैन गो एंड ज्वाइन माई चैनल सो थैंक यू फॉर वॉचिंग